नमस्कार दोस्तों, फटा पोस्टर निकला हीरो में मैं अतुल गंगवार आप सबका वेलकम करता हूं। मैं आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। कोविड को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए पिछले एक महीने से लगभग सारे सिनेमा हॉल देश भर के बंद हैं और जो सिनेमा प्रेमी हैं उनको कोई भी नई रिलीज फिल्म देखने को नहीं मिल रही है। आप लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि पहली बार एक बड़ी फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म का नाम है गुलाबो सिताबो, जिसमें अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की मुख्य भूमिका है। ये फिल्म 12 जून को रिलीज होने जा रही है। ना केवल यही फिल्म, उसके बाद आपको देखने के लिए मिल सकती है विद्या बालन की फिल्म शकुंतला। शकुंतला भी एक बड़ी फिल्म है, विद्या बालन की फिल्म है, हालांकि अभी इसकी रिलीज की डेट तय नहीं हुई है। ना केवल हिंदी की फिल्में बल्कि साउथ की भाषाओं की भी फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही हैं, जैसे तमिल फिल्म पोमंगल वंदाल, जिसके अंदर ज्योतिका की ने मुख्य भूमिका निभाई है और उसको फिल्म को प्रोड्यूस किया है साउथ के सुपरस्टार उनके पति सूर्या ने। उसी के साथ कीर्ति सुरेश की फिल्म पेंगुइन भी रिलीज होने जा रही है, जो कि June 19th को रिलीज होगी। पोंगल बंधाल रिलीज होने जा रही है May 29th को। इसके साथ रिलीज होने वाली है मलयालम फिल्म सूफियम सुजातायम, जिसमें अदिति राव हैदरी ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसके साथ कन्नड़ा फिल्म लॉ रिलीज होगी, जिसमें रागिनी चंद्रन और श्री प्रहलाद की मुख्य भूमिका है। ये 26 जून को रिलीज होने जा रही है। इसी के साथ दानिश सेठ की फिल्म फ्रेंच बिरयानी, जो कि कन्नड़ भाषा की फिल्म है, वो July 24 को रिलीज होने जा रही है। तो सिनेमा प्रेमियों के लिए जहां एक और ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि OTT प्लेटफॉर्म पर ये बड़ी बड़ी फिल्में उनको देखने के लिए मिलेंगी। Amazon प्राइम नेटवर्क ने इन फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करने का बीड़ा उठाया है। ये फिल्में 200 देशों में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाएंगी। जहां एक और देखा जाए कि कोरोना के कारण पिछले एक महीने से सिनेमा हॉल बंद हैं और आने वाले भविष्य में भी कब तक ये स्थिति नॉर्मल होगी, कब सिनेमा हॉल्स खुलेंगे, ये देखना एक बड़ा दिलचस्प विषय रहेगा। क्योंकि जो सरकार अभी तक जिस तरीके के कदम उठा रही है उसमें सिनेमा हॉल उसकी प्राथमिकताओं में खोलना नहीं है। हालांकि सिनेमा हॉल ओनर्स ने कई व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया है। कुछ बड़ी चेन्स जो हैं, PVR चेन्स हैं, वो अपने सिनेमा हॉल्स में बदलाव लेकर आ रही हैं, लेकिन वो बदलाव कब तक होंगे और उनको सरकार कब तक स्वीकृति देगी, ये भी देखना होगा अभी। लेकिन तब तक क्या आम दर्शक मनोरंजन से दूर रहेगा? नहीं। तो फिल्म निर्माताओं ने ये फैसला लिया और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि गुलाबो सिताबो जैसी पहली बड़ी हिंदी फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की मुख्य भूमिका है, वो 12 जून को रिलीज होने जा रही है। हालांकि निर्माताओं के इस कदम पर साउथ की इंडस्ट्री ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और सूर्या, जिनकी पत्नी की फिल्म ज्योतिका की फिल्म पोंगल वंथाला जो रिलीज होने जा रही है, उसको लेकर उन्होंने एग्जीबिटर्स ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सीधे सीधे सूर्या को धमकाया कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी आने वाली फिल्में जिनमें वो अभिनय करेंगे या जिन फिल्मों को उनका प्रोडक्शन हाउस बनाएगा उनको वो रिलीज नहीं करेंगे। तो ये एक सीधे सीधे चुनौती दी है। आइनॉक्स सिनेमा चेन ने भी ये कहा है कि हालांकि उन्होंने किसी फिल्मकार का नाम नहीं लिया, किसी फिल्म प्रोड्यूसर या किसी फिल्म का नाम भी नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो एक निर्माता और एग्जीबिटर के बीच का जो परस्पर विश्वास है, एक व्यावसायिक अनुबंध है, ये उसका उल्लंघन है और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के व्यावसायिक हितों की खिलाफत भी करता है, उनको नुकसान पहुँचाने का काम करता है। खैर, निर्माताओं के पास इस बात का दबाव रहता है क्योंकि उनकी बहुत बड़ी रकम फिल्मों पे लगी है, फिल्म कब रिलीज़ होंगी, थिएटर कब खुलेंगे, इसको लेकर अनिश्चितता है। लेकिन इसकी जो उन्होंने काट निकाली है OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्म को रिलीज़ करके अपनी कॉस्ट कवर करने का, तो देखना है कि ये फिल्में दर्शक किस प्रकार से लेते हैं और रेवेन्यू मॉडल किस प्रकार का बनता है। क्या निर्माताओं को एक नया बाज़ार फिल्म को रिलीज़ करने का मिलता है? तो निर्माताओं ने जिस प्रकार से कदम उठाया और OTT प्लेटफॉर्म की एक बार व्यावसायिक सफलता तय हो जाती है तो
मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारी फिल्में जो बनने के बाद थिएटर का मुंह नहीं देख पाती थी, उनके लिए भी एक नया रास्ता खुलेगा और दर्शकों को भी कई मनोरंजक फिल्में और देखने के लिए मिलेंगी। फटा पोस्टर निकला हीरो में, बस अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो फिल्मों का इंतज़ार कीजिए, आनंद लीजिए और घर में रहिए। कोरोना का समय है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।